हेलो क्लास सिक्स, वंस अगेन आई एम के एन मिश्रा, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस। क्लास यस्टरडे इन माय प्रीवियस लेक्चर आई इंट्रोड्यूस चैप्टर वन, दैट इज सोर्सेज ऑफ फूड। एट प्रेजेंट वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर सोर्सेज ऑफ फूड, इन विच देर इज अ ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर फूड विच वी आर टेकिंग ऑन डेली बेसिस, वी यूज टू टेक ऑन डेली बेसिस। ठीक, इस चैप्टर में आपको जितने सोर्सेस फूड के हमारे हैं उन सारे सोर्सेस के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। क्लियर? हम थोड़ा सा बुक से पहले स्टडी करते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड आपका चैप्टर वन है, ये दिस इज चैप्टर वन सोर्सेज ऑफ फूड। और हमने आपको होमवर्क भी दिया था इसका वर्ड मीनिंग लिखने के लिए। इट इज़ वेरी गुड थिंग टू डू होमवर्क इन टाइम। बहुत सारे बच्चों ने टाइमली शेयर किया हमको होमवर्क। आई अप्रिशिएट दिस टाइप ऑफ वर्क। नाउ कम टू वेराइटी इन फूड। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। लेट अस फाइंड आउट वॉट आर दीज फूड्स आर फूड आइटम्स मेड अप ऑफ। हमारे अलग अलग जो फूड आइटम हैं वो अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी हम लोग पढ़े थे 1.1 यहाँ पे, इसमें अलग अलग फूड आइटम्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आप क्या लेते हैं ये लिखा हुआ है। अपनी बुक में आप पेज नंबर 7 ओपन करिए, पेज नंबर 7 पे ये चीज़ है, बनाना एग एप्पल पराठा, ये लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट में। लंच में आप लेते हैं पालक पनीर, दही बड़ा, सलाद, ये सारी चीज़ें, चपाती। और रात में डिनर में आप लेते हैं राइस, चपाती और मिल्क। ये अलग अलग सोर्सेस से आते हैं हमारे फूड में, ये आइटम्स अलग अलग सोर्सेस से आते हैं। वी विल स्टडी अबाउट दी सोर्सेस हियर, फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस। हियर इट इज रिटन, फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस। क्लियर? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। इट इज रिटन हियर दैट इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट आर लिस्टेड टेबल इन टेबल 1.2। सबसे पहले टेबल 1.2 ही देख लेते हैं। ये टेबल 1.2 यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है, ये टेबल 1.2 है। इस टेबल 1.2 में अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं और ये अलग अलग आइटम्स किन चीज़ों से मिल के बनते हैं, कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, ये इस टेबल में आपको मिलेगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले फूड आइटम का नाम लिखा हुआ है इडली। इडली बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं, सेकेंड कॉलम में ये लिखा हुआ है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। और इनके सोर्सेज लिखे हुए हैं, जैसे राइस हमको कहाँ से मिलता है, वी ऑब्टेन राइस फ्रॉम पैडी प्लांट, तो इसका सोर्स हो गया प्लांट। उड़द दाल का भी यही हो गया, पल्सेस भी हमको प्लांट से ही मिलती है, तो उड़द दाल के लिए भी प्लांट सोर्स हो जाएगा। सॉल्ट हमको नेचर से मिलता है, सी वाटर से सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट का हो गया नेचर, आपकी बुक में मेंशन है ये। और वाटर भी हमको नेचर से मिलता है, ये भी आपकी बुक में मेंशन है। फिर चिकन करी लिखा हुआ है अगला आइटम, फूड आइटम। चिकन करी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चिकन हो जाएगा, स्पाइसेस हो जाएगा, और उसके बाद ऑयल और वाटर। अब इसमें से चिकन जो है वो एनिमल सोर्स से हमको मिलता है, स्पाइसेस ये हमको प्लांट सोर्स से मिलती हैं, सारी स्पाइसेस जितने मसाले होते हैं, और उसके बाद घी या ऑयल ये हमको प्लांट या एनिमल दोनों से मिल सकता है। प्लांट से हमको जो मिलता है उसको हम कहते हैं वेजिटेबल ऑयल, और एनिमल से जो मिलेगा उसको हम कहेंगे देसी घी। ऐसे ही और आइटम इसमें लिखे हुए हैं। नाउ कम टू फूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सेकेंड हेडिंग इन योर बुक। नाउ कम टू दिस हेडिंग, फूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह के हमारे फूड होते हैं। एक ही तरह का फूड हम नहीं यूज़ करते डेली, अलग अलग तरह के फूड हम यूज़ करते हैं।
वो अलग अलग तरह के फूड क्या हैं, डू ह्यूमन बींग्स एनिमल्स बर्ड्स फिशेस इंसेक्ट्स एट्सेट्रा ईट द सेम टाइप ऑफ फूड, क्या ऐसा है जितने भी एनिमल्स हैं जितने भी बर्ड्स हैं जितने फिशेज हैं इंसेक्ट्स हैं ये सब एक ही तरह का फूड ऑब्टेन करते हैं? नो, इट इज़ नॉट ट्रू. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो. इट मीन्स दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह का फूड लेते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें, आपकी बुक में लिखा हुआ है ग्रास मे नॉट बी यूजफुल फॉर यू बट इट इज़ द मेन फूड फॉर काउ डियर एंड बफेलो. हम लोगों का जो फूड है वो ग्रास नहीं है लेकिन ग्रास मेन फूड है काउ का बफेलो का डियर का शीप का, इन सब का मेन फूड वही ग्रास है. बच्चों इन सबको हम च्यू एंड कट एनिमल भी कहते हैं. जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं ग्रेजिंग एनिमल होते हैं उनको हम च्यू एंड कट एनिमल कहते हैं. ये वर्ड कहीं मिलेगा तो कंफ्यूज मत होगा, कहो ना कहीं पे. च्यू एंड कट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच यूज टू ईट ग्रास, यूज टू ग्रेज ग्रास, ठीक है. तो ये ग्रास जो है केवल च्यू एंड कट एनिमल्स का फूड है. एक और एक्टिविटी यहाँ पे आगे दी हुई है, एक्टिविटी 1.3. यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर अ चार्ट ऑन द फूड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स फ्रॉम योर नियर सराउंडिंग एज फार एज इन द फॉर्मेट गिवन बिलो. फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवेन ऑफ द टाइप ऑफ फूड दैट सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म ईट. ये बहुत ईजी है, ये एक्टिविटी 1.3 जो यहाँ पे दिया हुआ है ये बहुत ईजी है. ये जो चार्ट बना हुआ है इस चार्ट में नीचे जो ब्लैंक लाइन है इस ब्लैंक लाइन में आपको फिल करना है. आप पेंसिल से फिल करेंगे इसको और हमको शेयर करेंगे चेकिंग के लिए. इसमें एक तरफ लिखा हुआ है ह्यूमन बींग क्या क्या यूज़ करते हैं फूड में, ये लिखा हुआ है वेजिटेबल फ्रूट मीट पल्स मिल्क एग एंड मैनी अदर थिंग सीरियल्स. ऐसे ही फिश के बारे में लिखा हुआ है फिश क्या ईट करती है, स्मॉल एक्वेटिक प्लांट या स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स, ये फिश का फूड है. ऐसे ही कैट का लिखा हुआ है, पहला फूड कैट का लिखा हुआ है रैट, अदर स्मॉल एनिमल्स मिल्क स्मॉल बर्ड्स लाइक हेन एंड ब्रेड ऑल्सो. इन सारी ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैट का डिलीशियस फूड है. इसके अलावा काउ टाइगर लायन और एलिफेंट ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको फिल करना है अपनी बुक में, ठीक है. इसके बाद एक और टेबल दिया हुआ है, ये टेबल यहाँ देख लीजिए. इस टेबल में आपको इनका फूड यहाँ पे भरना है, ये पेंसिल से यहाँ पे फिल करेंगे. 5 तक यहाँ था और यहाँ मिला करके ये हो जा रहा है आपका 16 तक. ये आपका होमवर्क है एंड एक्टिविटी 1.3 वी विल स्टडी इन लेटर ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स. टू फिल दिस टेबल टिल 14, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. फिल द टेबल गिवेन इन एक्टिविटी 1.3, दिस इज होमवर्क फॉर टुडे. वी विल स्टडी अबाउट एक्टिविटी 1.3 इन लेटर ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास. Stay home, be safe. Thank you, classics. Thank you.